जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज किस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं असहयोग आंदोलन से रिलेटेड वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं पूरा इतिहास आपको समझा दूंगा, यूरोप में राष्ट्रवाद जो है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, और आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी। कैसे, मैं आपकी मतलब सोच की दृष्टि को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, ना कि रटवाना चाहता हूँ, तो बस आप मेरे इस मतलब काम को आप थोड़ा समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है। तो देखिए यहां पर क्या है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ये है वीडियो। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद जो आपका चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2, उसी में का ये वीडियो है पूरा। देखिए असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था, इसका मतलब कब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया और क्यों वापस लिया गया, ये यहां पर क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे। तो देखिए यहां पर क्या मैंने लिखा है, 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। अब यहां पर देखिए क्या होगा कि भाई आंदोलन कब शुरू हुआ था, लगभग 1920 ईस्वी तक, लेकिन 2 साल तक आंदोलन चलता रहा और 1922 ईस्वी तक यह आंदोलन चला, ठीक है। तो 5 फरवरी यहां पर पूछा ही गया कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। अब देखिए अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले केवल इतना ही कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया और आपको मतलब बहुविकल्पी टाइप में, तो भी आप कर सकते हो, तो ठीक है, तो इतना आप अपनी सोच को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, ठीक है, तो ये है आपका। अब देखिए 5 फरवरी 1920 को जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो क्यों वापस लिया, तो देखते हैं इसको। अब गांधी जी का यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था, गांधी जी भाई अहिंसक के मार्ग पर चल रहे थे, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, मतलब अहिंसा का मतलब ये होता है कि ना तो काट, ना मारपीट, ना किसी को चोट पहुंचाना, अपना शांति ढंग से बातचीत से बातों को सुलझाना एक प्रकार से अहिंसा होता है, मतलब किसी को ना मारना ना धमकाना ज्यादा, धमकी वमकी दे सकते हो, मार नहीं सकते, चोट नहीं पहुंचा सकते वही, और हिंसा का मतलब है किसी को मार, जैसे किसी आदमी को कोई जिंदा जला दिया, किसी को मार काट डाला, तो वो हिंसा का रूप ले लेता है, ठीक है, तो हिंसक नहीं होना चाहिए कोई भी चीज, अहिंसक होना चाहिए, तो यही आप पढ़ते आ रहे हो। तो देखिए गांधी जी का यह आंदोलन क्या था, पूर्णतः अहिंसक था, ठीक है, गांधी जी कह रहे थे कि अहिंसक मार्ग पर रहेगा। अब बोलने से पता चल रहा है असहयोग आंदोलन, मतलब असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है, देखिए स्वर समझिए, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे और उनको गांधी जी भगाना चाहते थे और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कि हमें स्वतंत्र करो और यहां से भागो, ठीक है, तो ये कह रहे थे। अब जब वो कह रहे थे तो उन्होंने विरोध किया, भाई कोई यार कोई पाई हुई चीज को जल्दी देता है, नहीं देता ना, छीनना पड़ता है, मतलब हमारा अधिकार था स्वतंत्रता और अधिकार को मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, तो गांधी जी फिर छीनने के लिए आंदोलन चलाने लगे और यह असहयोग आंदोलन चलाए। असहयोग आंदोलन में कहा क्या गया कि अंग्रेज जो हमारे देश में राज कर रहे हैं वो भारतीयों के सहयोग से ही कर रहे हैं, और वाकई में हम भारतीयों के सहयोग से ही वो राज कर रहे थे, क्योंकि अगर हम साथ ना देते तो वो यहाँ पर कभी भी एक पल भी नहीं टिक सकते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी सोचे कि जब उसी का हम उल्टा कर लेते हैं, कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाओ, तो वही है आपका कि गांधी जी ने सोचा कि अब ये आंदोलन चलाएं कि इनका कोई साथ ना दे, चाहे वो वकील हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, मतलब इनके काम में कोई ना जाए, मतलब सरकार का पूरी तरह से विरोध करे। जैसे कि अगर सरकार कह रहे कि आप स्कूल आओ, स्कूल सरकारी स्कूल पर जाना बंद कर दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, सभी टीचरों ने पढ़ाना बंद कर दिया, किसानों ने अन्न बेचना इनको देना बंद कर दिया, मजदूरों ने मजदूरी तक करना बंद कर दिया गांधी जी के कहने पर, आप सोच लो, तो ये असहयोग है कि अंग्रेजों का असहयोग दो, सहयोग आप जानते हो भाई साथ देना, और असहयोग का मतलब है कि अंग्रेजों का साथ ही ना दो, तो यह खुद ही यहाँ से चले जाएंगे, भाई इनका साथ कोई नहीं देगा तो कब तक ये टिकेंगे यहाँ पर, तुरंत चले जाएंगे, तो ये आपका असहयोग आंदोलन हो जाता है, ठीक है। तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन क्या था कि पूर्णतः अहिंसक था, लेकिन ये क्या हुआ आगे चल के हिंसक में बदल गया, जिसके कारण इसे वापस लिया गया, अभी आप पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि गांधी जी का यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था, लेकिन देश में इसका प्रसार होने के साथ ही, मतलब एक्सटेंडेशन, मतलब एक प्रकार से बढ़ाव, प्रसार, विस्तार होने के साथ, जब विस्तार इसका हुआ तो क्या हुआ, लाखों लोग इसके साथ जुड़ गए इस आंदोलन के साथ, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी। तो लेकिन देश में इसका प्रसार होने के साथ ही इसमें हिंसा की वृद्धि हुई, ठीक है, इसमें क्या हुई, हिंसा की वृद्धि हुई, हिंसा समझ रहे हो ना, कि मार काट ये सब चीजों पर जब लोग उतारू हो जाए भीड़, तो वही हो जाती है भाई हिंसा। तो आगे क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी सन
ठीक है, 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरा चौरी में एक बड़ी घटना हो गई। ये घटना क्या हुई अभी आपको बताते हैं। चौरा चौरी जो गोरखपुर में एक स्थान है, वहाँ पर बड़ी घटना हो गई। वहाँ पर कुछ आंदोलनकारी थे और पुलिस थे, तो पुलिस वाले आंदोलनकारियों को रोक रहे थे, लेकिन आंदोलनकारी क्या थे भाई, जो भीड़ थी वो गुस्सा हो गई और बम्बक उठी, एक प्रकार से मतलब भयंकर रूप ले लिया और उन्होंने उस थाने को ही जला दिया। अभी आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, एक बड़ी घटना हो गई जिसमें हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए। अब थाने में आग लगाएंगे तो भाई कई पुलिस वाले तो जलकर मर ही जाएंगे, और कैदी भी मारे गए होंगे जो रहे होंगे उसमें थोड़ा बहुत अगर, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंसक आंदोलन, यहाँ से शुरुआत होती है इस आंदोलन को बंद करने के लिए। जब गांधी जी को ये खबर हुई तब गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया, क्योंकि वो सोचे कि अभी भारतीय आंदोलन करने के लिए मतलब तैयार नहीं है, तो उनको तैयार करने के लिए ये आंदोलन को वापस कर लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसमें हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और कई पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए। अतः इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। अब गांधी जी यह आंदोलन जब वापस ले लिए तो मतलब अब भाई वापस ले लिए तो भाई हिंसक भीड़ जो थी वो गुस्सा हो गई एक प्रकार से, लेकिन गांधी जी नहीं माने कि भाई ये हिंसा का रूप ले रहा है तो इस आंदोलन को वापस लेना ही मतलब बेहतर होगा। तो इसीलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को ही वापस ले लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए मैंने लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको काम आ सकते हैं। देखिए ये अगर लॉन्ग वीडियो बनाना है तो आप इसी में से बना बना के लिख सकते हैं, कोई भी गलती इतिहास में नहीं होती। अपने शब्द को भर भर के आप लिखिए, जो आपके मन में आ रहा है भर भर के लिखिए, ठीक है। रटने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। अब देखिए कहानी के तौर पर याद कीजिए, मैं आपको कहानी ही तो बता रहा हूँ, आप सोच रहे हैं ना मैं कभी इधर उधर से बता देता हूँ, ताकि कहानी के तौर पर आपको समझ में आ सके, बस वीडियो लंबी हो जाती है माफ़ कर देना। आगे, सितंबर 1922 ईस्वी से फरवरी 1922 ईस्वी के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है चलाया गया, ये आंदोलन का असहयोगी था, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और जागृति प्रदान की। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का साथ मिला। अब 2 साल तक चला भाई, तो ये सफल तो रहा ही है और इसमें भारतीयों का साथ भी मिला था, लेकिन बस वही हिंसक भीड़ ना होती तो हमारा देश तभी शायद आजाद हो सकता था। अब यहां पर देखिए इसको मैंने लिखा है ताकि आप अच्छे से पढ़ें, इसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो सितंबर 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी के बीच तक था, ठीक है, मतलब फरवरी में समाप्त हुआ था ना यहाँ पर, ये देखिए 5 फरवरी को, तो यही आपका फरवरी तक, ठीक है, फरवरी तक ही मानते हैं, 8 फरवरी 1922 आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अपने नेतृत्व में यह आंदोलन चलाए, और फिर आप कहानी के तौर पर पहले इसको लिख दीजिए फिर इसको लिख दीजिए, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इधर उधर से, ठीक है, मतलब कहानी के तौर पर जो आपको बेस्ट लगे, आपको अच्छा लगे। जैसे यहाँ पर देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता था कि ऐसे भी कहानी के तौर पर कि सितंबर 1920 ईस्वी से, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी के बीच गांधी जी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृत दिशा प्रदान की। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का समर्थन मिला, जिसमें लाखों मजदूर शामिल थे, हजारों लिख सकते हो, और टीचर शामिल थे, वकील शामिल थे, स्टूडेंट शामिल थे, यानी देश के सभी जनता शामिल थे। इस आंदोलन के तौर पर कहा गया, सीधा और कहानी लिख दो कि इस आंदोलन में कहा गया, गांधी जी का मत था कि अंग्रेजों के कारण ही, अंग्रेजों का साथ देने से ही ये भारत में अपनी नींव जमा सके, लेकिन अब हम इनका साथ नहीं देंगे तो इनकी नींव उखड़ जाएगी। अतः यह आंदोलन चलाया गया अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों को साथ न देने के लिए। गांधी जी का मत था कि अंग्रेजों का साथ हमें नहीं देना चाहिए, जिसमें जिन गांधी जी की बातों को बहुत सारे लोगों ने माना, और वकील, टीचर, स्टूडेंट, मजदूर, किसान, ये सभी लोग विरोध किए और अपने अपने काम को अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया, जिससे अंग्रेजों को बहुत गुस्सा हुई और वो जगह जगह पर मतलब एक प्रकार से हिंसा करने लगे, अंग्रेजों ने मार पीट मतलब सभी को बेड़ने लगे, जिसके कारण रॉलेट एक्ट भी आया था, वो बाद में बात करेंगे। तो ये आपका हो जाता है, उसके पहले ही आया था, तो आगे हम आपको बता देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और एक ही वीडियो थी लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं, जैसे चौरा चौरी कहाँ पर स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है, ये बहुत सारी चीज़ें आप इसमें क्लियर कर सकते हो, और इसे एक दो बार देखिए तो आपको मतलब 100% याद हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी,
लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक करो, हमेशा बोलता हूँ और मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो का लाइक एम कितना रखते हैं, चलिए आप करवा दोगे मुझे मालूम है। और इस लाइक एम रखते हैं हम 200 लाइक एम रोज करते हैं, और आप यार बहुत ज़्यादा करवा देते हो, 1000 तक तो बस 200 लाइक एम हम रखते हैं, तो आप करवा देना। और बस व्यूज कितना, 2000 व्यूज रख दें, चलो 2000 व्यूज में 200 लाइक तो हो ही जाना चाहिए। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के लिए। चैनल से बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।